बच्चों के लिए कि बच्चे बड़ा तंग करते हैं, चिड़चिड़ापन, रोना, माइंड का सेट ना होना और पढ़ाई में दिल ना लगना और हर वक्त कहना बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, हाँ, इनका दिमाग जो है ना वो ठिकाने लगाना। मैं ये एक रेसिपी बताऊंगी कि बच्चों को आइसक्रीम बड़ी पसंद। देखिए ये रेसिपी है बच्चों का दिमाग ठिकाने लगाना। एक्चुअली इसका नाम अच्छे तरीके से, हाँ, बच्चों का दिमाग ठिकाने लगाना और उनके अब्बा का भी तो दिमाग ठिकाने लगाना। अब्बा का भी लगाएंगे, जबर सबर तो करें, भाई साहब का चाह रहे हैं अभी तो। हाँ, मैं पूरी तैयारी से आई हूँ। सब तो अच्छा, बच्चों की हम सेहत का ख्याल रखेंगे। ऑयल कौन सा इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर? मैं ऑयल दो ऑयल में इस्तेमाल करूंगी। एक तो इसके अंदर मैं बादाम का तेल इस्तेमाल करूंगी, एक में कैनोला ऑयल, जैसे कि मैंने बताया कि मीठी सरसों, सरसों का तेल हम सर में लगाते हैं, एक वो कड़वी सरसों होती है और मीठी सरसों जिसके पीले वाले फूल होते हैं और फिर उनके बीजों से जो तेल निकाला जाता है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, महंगा भी होता है, खाना भी पकता है। अगर ओरिजिनल हमें मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो अच्छा, ये मैंने ले लिया क्योंकि बच्चों को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, तो ऑयल तो वो खाएंगे नहीं, किसी सूरत में नहीं खाएंगे, अंडा भी बना के देंगे तब भी नहीं खाएंगे क्योंकि स्मेल आ रही है, इसमें ये हो रहा है। अच्छा, अब मैंने ले लिया फ्रेश क्रीम ले ली है तकरीबन, मैं ये आपको एक दिन की ही खुराक बता रही हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें आइसिंग फ्रेश क्रीम ले ली है। फ्रेश क्रीम ले ली। बादाम के तेल से क्या फायदा होगा? बादाम खाने से तो दिमाग तेज होता है, ये तो हमें पता है। बादाम खाने से ये होता है कि जो आपके मैदे की अंतड़ियां हैं ये सॉफ्ट रहती हैं, आप अल्सर होने से एक तो बच जाता है बादाम के ऑयल से, बादाम के ऑयल से। अच्छा। इवन आपने देखा होगा बच्चों को कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, हाँ। तो बादाम का तेल अगर आपने 30 लिया है, ऑलिव ऑयल 30 लिया है, कैस्ट्रो आपने 60 लिया है, तीनों ऑयल को मिक्स कर लें तो ये बेहतरीन कॉन्स्टिपेशन की दवाई बन जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी चिड़चिड़ाहट होती है। जी बिल्कुल होती है। बड़ों के लिए टेबल स्पून है, बच्चों के लिए टी स्पून है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी, आपने क्रीम ली, फिर आपने आइसिंग शुगर ली, और 1 टीस्पून ली, ज्यादा नहीं ली, ज्यादा मीठा हमें नहीं बनाना इसको, ठीक है। इसको मैंने मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी बादाम का तेल। कितना अच्छा आइडिया है, थोड़ा सा ऐसे तो नहीं पिएंगे, 1 टीस्पून ऐसे तो नखरे दिखाएंगे, चुपके से बताए बगैर किचन में ये मिला दें। थोड़ी देर आप इसको फ्रीजर में रख दे ताकि ये थोड़ा सा आइसक्रीम की शेप का हो जाए, उसकी जो फॉर्म जो है आइसक्रीम की आ जाए, और जब आपने बच्चों को देना है, खिलाना है, तो ये चॉकलेट चिप मिलते हैं, आप थोड़ा सा इसके ऊपर गार्निश कर दे और ठंडा करके, पास वो चॉक बार और उस तरह का जो वेफर्स रखे हुए सांचे हैं उसमें डाल के रख दें उसके अंदर, या आपके पास आइसक्रीम के जो कप होते हैं वो संभाल के रखें, इसको वॉश करके, या फिर प्लास्टिक के मिल भी जाते हैं, कपकेक भी प्लास्टिक के बड़े अच्छे अच्छे से मिल जाते हैं उसमें। अच्छा, जो बुजुर्ग हैं उनको भी बड़ी एसिडिटी होती है, वो भी फिर नखरे कर होते, नहीं मुझे नहीं खाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। बड़े लोगों को भी, आप बुजुर्ग को भी खिला सकते हैं, लेकिन ठंडा ना करें उसको, इसी तरह से खिलाएं। अच्छा, बुजुर्ग को खिलाना है, बड़े लोगों को खिलाना है, बादाम का तेल उनको देना है, बादाम का तेल आप देना है तो आप इसी तरह से दे दें, लेकिन इसके अंदर आप असली घी, देसी घी जो घर का बना हुआ है, या आपको श्योर हो कि वो अच्छा निकला हुआ है, तो 1 टीस्पून वो भी मिला के दे दें। अच्छा। बुजुर्गों को वो भी दे दें, उससे क्या होता है अच्छी नींद आती है। देसी घी किस तरह निकलता है? दूध, फिर लस्सी, फिर मक्खन, फिर घी निकलता है, तो उसकी बहुत सारी अफादियत है। तो ये आप इसको मिक्स कर लें, ये बड़ा अच्छा है। इसमें आपने आइसक्रीम जो देनी है इसमें बादाम का तेल और कैनोला ऑयल मिलाया है इसमें। बच्चों क्या था, हमने क्या नाम रखा था इसका? बच्चों को दिमाग ठिकाने लगाने वाली आइसक्रीम है ये। हां, दिमाग ठिकाने लगाने वाली आइसक्रीम जी।